मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र के वैशाली कैनाल नहर पर बनी पुल की स्थिति जर्जर। कई घटनाएं जर्जर पुल पर हो चुकी हैं और हमेशा अप्रिय घटना होने का अंदेशा लगा रहता है। जर्जर पुल की स्थिति देखकर सामाजिक कार्यकर्ता परवेज आलम ने चिंता जताते हुए पुल की मरम्मत कराने की मांग की है। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। बता दें कि यह पुल साहेबगंज टू नीरपुर जाने वाली मुख्य मार्ग पर बना हुआ है। पुल के दोनों तरफ साइड में बना हुआ रेलिंग टूट चुका है, जिसके कारण कई घटनाएं हो चुकी हैं और हमेशा अप्रिय घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इस बड़ी समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता परवेज आलम ने पुल की मरम्मत कराने की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम परवेज आलम हुआ। ये जर्जर पुल की जो स्थिति दिख रही है, तो सब सर्वप्रथम हम ये चाहेंगे कि पहले पुल का लोकेशन बताएं, ये पुल पड़ता कहाँ है? ये पुल साहेबगंज नीरपुर मार्ग में वैशाली कैनाल पर बना हुआ ये पुल है जी। यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि काफ़ी यहाँ पर घटनाएं घट चुकी हैं, इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दें जी। घटना यह है कि हमारे ही क्षेत्र में दो दो ग्रामीण के साथ ये घटना यहाँ घट चुका है। आज से एक डेढ़ साल पहले मामला है ये। एक महिला आ रही थी ऑटो में बैठकर, मार्केट करके जा रही थी। उसका वो देखिए, वहाँ जो रड निकला हुआ है उसमें कपड़ा फंस जाने के कारण वो गिर जाती है महिला। उसके कमर में चोट आ गया, जिसकी वजह से अभी भी इलाज चल रहा है। एक और आ रहे थे व्यक्ति, उनका पैर स्लिप कर जाने के कारण अंदर नीचे गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है जी। तो रिपेयरिंग की अगर हम बात करें, तो क्या ये स्थानीय, यहाँ से कई जनप्रतिनिधि और कई यहाँ से पदाधिकारी जाते होंगे, तो रिपेयरिंग के संबंधित यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ शिकायत किया है? जी, शिकायत किया गया था। जब एक व्यक्ति की मृत्यु जब हो गई थी, उस समय में एक पदाधिकारी को सूचना दिया गया था, लेकिन अभी तक इसका कोई पदाधिकारी या कहीं से भी जिला स्तर से हो या प्रखंड स्तर से पदाधिकारी अभी तक कोई सुधी नहीं लिया इसका। क्या मांग करते हैं इसमें सर? मांग यही करते हैं कि इसका मरम्मत किया जाए, और ताकि आने वाले जो हज़ारों हज़ार की गाड़ी जो सुबह से लेकर शाम तक जो चलती है, वो गाड़ी से किसी तरह कोई घटना ना हो सके जी। क्या लगता है, रेलिंग टूटने के कारण जो है कि घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है हमेशा? जी जी जी, बिल्कुल, ये रेलिंग के वजह से ही घटना बराबर घटते रहती है। कभी वो देखिए रड है, कभी वो रड गाड़ी में फंस गया या किसी व्यक्ति का कपड़ा में फंस गया, फंसने के कारण गिर जाते हैं लोग। परिचय स्लिप कर होने के कारण गिर नीचे चले जाते हैं। परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम परवेज आलम हुआ। कहाँ के निवासी हैं सर? हमारा एराजी नवानगर, सामाजिक कार्यकर्ता। थाना कौन सा पड़ता है? थाना साहेबगंज हुआ। धन्यवाद। ये पुल जो है, घटना जो हुआ ना, ये पुल का बहुत डैमेज पुल है, टूट गया है। इसमें कितना मरतबे आदमी गिर गया है, इस जगह कितना आदमी एक्सीडेंट भी हुआ है, इसमें गिर करके मर भी गया। तो आप क्या चाहते हैं चाचा? इसको हम चाह रहे हैं अच्छे तरीके से मरम्मत हो, अच्छे तरीके से ढंग से बनाया जाए, ताकि जो भी घटनाएं होने वाली हैं समस्या का समाधान हो जाए। निर्माण कब हुआ था? 1969 में हुआ। 1969 में। नाम क्या हुआ आपका? जवाई साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? राजेश्वर।